नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके साथ में एक बहुत बढ़िया सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और वो है राजस्थानी रेसिपी। पहले भी अभी आपको थोड़े दिन पहले भी मैंने वो शेयर करी थी, आज भी दे रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं जोधपुरी गुलाब जामुन की सब्जी। अरे गुलाब जामुन तो मीठे होते हैं, सब्जी कैसे बनेगी? तो आइए शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे बनेगी। हाँ जी, तो गुलाब जामुन की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज। ये प्याज मैंने छील लिए हैं और इनको ना बारीक, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है इसका। तो अपन पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए जी, मैंने ये ना पेस्ट बना के रख लिया है, बहुत ही बारीक बनाया है और ये देसी सब्जी है तो देसी स्टाइल से बनेगी। तो हम पहले चलाएंगे कुकर गैस के ऊपर और फिर इसको बनाना शुरू करेंगे और सीक्रेट आपको बाद में बताएंगे। एक ना मैंने कुकर रख लिया है गैस के ऊपर और इसमें मैं डाल रही हूँ एक कलछी घी, क्योंकि ये जो सब्जी है ना घी में ही बनती है और घी में ही जो इसका टेस्ट आएगा वो आपको कहीं किसी चीज और में नहीं आएगा। जैसे घी गर्म हो जाता है हम इसमें डाल देंगे ये पिसे हुए प्याज। अच्छे से जब तक प्याज हमारे पक नहीं जाते हैं तब तक हमें इसको पकाना है। देखिए जी, बढ़िया से कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से हमारा प्याज भून गया है और इसमें घी काफी हद तक छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे ना इसमें हम डालेंगे गरम मसाले। तेज पत्ता ले लिए हैं दो, इनको ऐसे तोड़ के इसके अंदर डालना है। तीन से चार डाल लिए लौंग, एक छोटी सी दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री, 10-15 काली मिर्च, हल्का सा कूट के ना एक डाल देंगे इसमें बड़ी इलायची और इसको अच्छे से इसके साथ चला लेंगे। काम सारा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है, तेज आंच पे नहीं करना है। ये डिफरेंट स्टाइल की सब्जी है इसलिए ये बनने का तरीका भी इसका अलग है। इसमें पहले तेल में घी में खड़े मसाले नहीं डाले जाएंगे, इसमें खड़े मसाले जब प्याज भून जाएगा तब हमें डालने हैं। और गुलाब जामुन कैसे बनते हैं वो तो मैंने आपको बताना बताया ही था, गुलाब जामुन की जब रेसिपी दी थी। बस उसमें हम बड़ी बड़ी बॉल्स बनाते हैं गुलाब जामुन के लिए और जब सब्जी के लिए गुलाब जामुन बनाते हैं उसकी होती है बॉल्स छोटी छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं बनाते, छोटी बॉल्स बनाते हैं। इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच के करीब, एक बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। दोनों को मैंने बराबर बराबर पीस के रखा है, अदरक और मिर्च को बराबर बराबर लेके पीस लिया है। अब इसमें डाल के अब इसको अच्छे से भूनना है। देखिए कलर चेंज हो गया ना, बढ़िया से इसको भूनना है और इसका अच्छे से घी रिलीज करवाना है। जब तक ये मसाला भूनता है मैं आपको गुलाब जामुन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है गुलाब जामुन। ये जब मैंने गुलाब जामुन बनाए थे तब मैंने ये थोड़े से गुलाब जामुन अलग बना के ऐसे ही रख दिए थे, इनको चाशनी में नहीं डाला था और फ्रीजर में रख दिए थे इसलिए थोड़े ठंडे हैं। अब इन्हें क्या करना है, गर्म पानी में मुझे डाल के रखना है जिससे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये गर्म पानी है, इसके अंदर इसको भिगो देते हैं, थोड़े ये सॉफ्ट और हो जाएंगे। देखिए बढ़िया सा मसाला भुन रहा है। अब चलिए इसमें सूखे मसाले डालते हैं। सूखे मसाले में डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, वैसे हमने हरी मिर्च डाल दी है तो थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। मैंने एक चम्मच डाली है लाल मिर्च और इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम धनिया पाउडर और इसको अच्छे से चला लेंगे। हल्का सा पानी डाल के ना 1 चम्मच करीब पानी डाल दीजिए और इस मसाले को अच्छे से भूनिए जब तक कि अच्छे से घी सारा ऊपर ना आ जाए। और मसाला भूनते वक्त ना अगर आप इसमें कुनकुना लुकवार्म वाटर डालेंगे ना तो घी जल्दी ऊपर आएगा। ठंडा पानी डालेंगे मट्टी का ये चरीता तो इतनी जल्दी नहीं आता, थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे ना तो जल्दी से ये पकना शुरू हो जाएगा मसाला हमारा। देखिए घी रिलीज करना शुरू कर दिया है ना, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसमें हमने अभी नमक नहीं डाला है तो इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मसाला बढ़िया से पका लेते हैं।
अब जी अब बारी आती है इसमें लहसुन डालने की, और लहसुन हम ना इसमें पीस के नहीं डालेंगे, इसमें ना लहसुन का स्वाद आना चाहिए, और लहसुन अगर मुंह में आएगा ना तब ज्यादा बढ़िया लगता है। तो इस लहसुन को मैंने कूट लिया है, एक गांठ लहसुन लिया था तो कूट लिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है। हमें इसी तरह से इसको इसमें डाल देना है पूरा खाली करके। अब इसको हमें इसके साथ पकाना है लहसुन को। लहसुन थोड़ा थोड़ा जब फूटा हुआ होगा, हल्का हल्का मुंह में आएगा ना, उसका टेस्ट और बढ़िया कर देगा। एक छोटी गांठ लहसुन लिया है, 10-15 उसमें कलियां थी जिनको हमने कूट लिया है। आप लहसुन ज्यादा खाते हो तो ज्यादा डाल लीजिएगा, और कम पसंद करते हो तो कम भी डाल सकते हैं, पर डालिएगा इसी तरह से कूट के, और थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर अच्छे से, जब तक अब घी ऊपर नहीं आ जाता, पूरा घी रिलीज नहीं हो जाता, तब तक हमें इस मसाले को बहुत बढ़िया से पकाना है, जिससे कि इस लहसुन की कचास भी निकल जाए और हमारी सब्जी भी परफेक्ट बने। तो देखिए अगर कैमरे में जस्टिफाई हो रहा तो कितना प्यारा कलर आ गया है, अच्छे से घी ने रिलीज कर दिया है मसाले ने, यानी कि हमारा मसाला बहुत बढ़िया से पक गया है। 2 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे, क्योंकि तो जोधपुर वालों की ना एक पहचान होती है, उनको सब्जी के ऊपर ना जब तक घी और तेल फ्लोट करता हुआ ना मिले ना, खाने का मजा नहीं आता। पर हम इतना घी फ्लोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने घी इसमें हिसाब से डाला है, और अगर आपको वैसा फ्लोटिंग वाला घी चाहिए तो पूरा एक कटोरा भर के घी डालिए और उसमें मसाला भूनिए, तो अच्छे से घी ऊपर तैरते ही सब्जी मिलेगी आपको। अब देखिए बहुत बढ़िया से मसाला भून चुका है। अब हम लेंगे हमारे ये गुलाब जामुन, और इनको एक एक करके निकालेंगे इस पानी में से, और इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि ये सारा मसाले का सर सोख सके। अभी सब्जी डन नहीं हुई है, अभी सब्जी बहुत बाकी है, तो स्किप मत कीजिएगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप देखिएगा, और एक एक स्टेप फॉलो अप करते हुए ना आप अपनी जब डिश बनाए तब बनाइएगा। तो बना लेंगे साथ में, चापाटी अच्छे से इसको साथ भूनेंगे। ये ना तो हमारे मलाई कोफ्ता है और ना कुछ, ये है राजस्थानी, ऑथेंटिक राजस्थानी गुलाब जामुन की सब्जी। जब मैंने पहली बार सुना था ना गुलाब जामुन की सब्जी, तो मुझे भी लगा था यार ये तो गुलाब जामुन तो मीठे होते हैं, और मीठे गुलाब जामुन की तो मीठी सब्जी बनती होगी, और जब खाई तब पता चला जी नहीं, ये तो इतनी बढ़िया सब्जी बनती है, लगता है कि हम जो खाते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, नॉन वेज खा रहे हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनती है, ट्राई जरूर करिएगा इसी तरह से, और बना के जरूर खाइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी, और जो बनाते हैं वो बताइएगा कि ऐसे ही बनती है या कुछ और भी इसमें चेंजेस होते हैं। अच्छे से इसको भून लीजिए। देखिए जी अभी तक हमने ना इसके अंदर खटास के लिए कुछ नहीं डाला, तो अब इसमें जाएगी खटास, और वो आएगी दही से। तो एक कटोरी दही ले लिया है मैंने, 150 ग्राम करीब दही है, और वो इसमें डाल देंगे, और जब दही डाले तब इसको चलाते रहिए, छोड़िएगा मत, तब आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है। आप दही फेंट के भी डाल सकते हैं, नहीं तो सीधा भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल दीजिए एक कटोरी पानी, थोड़ी देर चलाइए इसको, और फिर इसको हमें ढक के पकाना है 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से, जब तक ये गुफान नहीं आ जाता, तब यानी उबाल नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे चलाते हुए पकाएंगे। ऐसा करने से ना दही फटेगा नहीं, कई बार दही फट जाता है ना, पर इस सब्जी में दही नहीं फटेगा। देखिए जी 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए, और देखिए घी कितना अच्छे से तैर के ऊपर आया है ना, जोधपुरी स्टाइल बढ़िया सा घी तैरता ही सब्जी। बस अब इसे 5 मिनट हमें ढक के पकाना है, तो हम गैस को कर देते हैं सिम, मतलब सिम तो है ही, गैस को बिल्कुल लो कर देते हैं, और इसको ढक के पकाते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं, और हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फूल चुके हैं। अब जी इसको सर्व करते हैं, उससे पहले
आप इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, वो तो बिल्कुल भूलना नहीं है। मैंने काट के रख दिया है और ये देखिए हरा धनिया डाल दिया। इसको या तो आप निकाल लीजिए बाउल में और फुलकों के साथ सर्व करिए, और देसी सब्जी है देसी तरीके से सर्व करनी है, जिस तरह से जोधपुर में होती है तो उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। तो उसके लिए ले लीजिए आप गर्मा गर्म फुलके, ये चार फुलके ले लिए मैंने, इनको इस तरह से बिछा लीजिए, इस तरह से बीच में डालिए सब्जी यानी हमारे गुलाब जामुन, और ऊपर से डालिए इसकी थोड़ा सा ऊपर से रोगन डालिए, और इस तरह से देसी स्टाइल में देसी सब्जी को एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।